शेखर सुमन ने लोगों से अपील की है। शेखर सुमन का कहना है कि आप लोगों को सभी को एक लंबी फाइट के लिए, एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। वो लिखते हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग फाइट, यू विल फील टायर्ड, एग्जॉस्टेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, बट स्टे फोकस, स्टे स्ट्रांग, बी प्रिपेयर्ड फॉर एन अनफेयर अनजस्ट फाइट फिल्ड विद डार्कनेस, बट स्टे इन द क्लियर, स्टे ऑन द ब्राइट साइड, बी प्रिपेयर्ड। तो इस तरीके से उन्होंने सभी से अपील की है कि एक लंबी जंग के लिए तैयार रहिए। आपको लगेगा कि आप थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी फोकस रहिए, स्ट्रांग रहिए, क्योंकि अभी तो और लड़ना बाकी है। बी प्रिपेयर फॉर एन अनफेयर अनजस्ट फाइट फिल्ड विद डार्कनेस, बट स्टे इन द क्लियर, स्टे ऑन द ब्राइट साइड, बी प्रिपेयर्ड। तो उन्होंने लोगों से ये कहा है कि आप जो है पॉजिटिव रहिए। आपको लगेगा कि आप थक चुके हैं, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही जल्दी जो है सब कुछ दिखने लगेगा। अभी भले ही चीज़ें धुंधली हो, लेकिन आगे रोशनी होगी। तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट में इसका जजमेंट आना था, इस बात को लेकर जो है कहा जा रहा था, लेकिन अब उम्मीद है कि ये जजमेंट कल ही आएगा। और लोगों को अब इस बात की उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुशांत के फेवर में ही जजमेंट देते हुए CBI के लिए जो है हाँ कह देंगे। तो लोग जो हैं, जो निराश हो रहे हैं, जो थका हुआ महसूस कर रहे हैं, उन्हीं को इंस्पायर और मोटिवेट करते हुए शेखर सुमन ने ये बात जो है शेयर की है।